सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग देख रहे हैं वापस ऐसे ब्लॉग। ऐसे ब्लॉग्स का मतलब होता है सही तुलग ब्लॉग्स। तो भाई आज का दिन शुरुआत हो रही है दोपहर में, और आज एक व्लॉग शूट करना है मुझे, जो कि होगा पूरा का पूरा मोटो व्लॉग पे बेस्ड। और क्योंकि मोटो व्लॉग पे बेस्ड क्यों होगा, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी तो आप सब जानते हो कि ये गाड़ी है, लेकिन इस गाड़ी में जो ग्राफिक्स और जो रैप हुआ है ना, वो एक नंबर है। तो इस रैप को दिखाने के लिए ये व्लॉग बन रहा है, और बहुत यूनिक, बहुत अच्छा रैप बनाया है उसने। और अपना दोस्त ही है, बचपन के हम लोग सब लोग यहाँ खेलते कूदते हैं, उसी की गाड़ी है। तो अभी मिलवाएंगे उससे भी, और चलते हैं गाड़ी लेते हैं, और फिर उसके बाद मोटो व्लॉग शुरू करते हैं। बाय बाय। सो गाइज, वेलकम बैक। और अब आप लोगों को थोड़ी बहुत गाड़ी भी दिख रही होगी, अगर पूरी गाड़ी दिख रही है कोई डाउट नहीं भाई, कलर आपने देख लिया कोई इशू नहीं। कलर आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, क्योंकि हल्का ब्लूश ब्लूश दिख रहा होगा आप लोग को, लेकिन अभी आप लोगों ने ढंग से पूरा नहीं देखा है, तो अभी थोड़ा वेट करिए। आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिखने वाली है इस गाड़ी के बारे में। मैंने अभी मैंने चलाया होगा 1-2 किलोमीटर, लेकिन मुझे गाड़ी बहुत पसंद आ रही है। अभी वो रीज़न मुझे थोड़ी देर बाद समझ आएगा, तो मैं आप लोग को बताऊँगा। बाकी तो भाई बहुत मज़ा आ रही है गाड़ी चलाने, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे गाड़ी चलाते वक्त। पॉस्चर भी मेरा ठीक है, गाड़ी का पिकअप बहुत सही है, हर चीज़ में अच्छा लग रहा है मुझे। तो अभी 5th गियर पे चल रही है, नॉर्मल चला रहा हूँ। मैंने सोचा क्यों ना ये गाड़ी को दिखाया जाए, क्योंकि अपने भाई की है, तो अधिकतर मैंने देखता रहता हूँ, और इसका मतलब अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि इसने जो कराया हुआ है ना, वो बहुत अच्छा लगता है देखने में, नो डाउट। अभी तो आप सिर्फ इतना देख रहे होगे, पता नहीं मुझे कैमरे में कितना दिखाई दे रहा होगा, सिर्फ इतना दिख रहा है या कितना दिख रहा है, लेकिन जब आप पूरी गाड़ी को देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ भाई गाड़ी कुछ है, मज़ेदार है। नाइस। देखो ये तो भाई मैं कहूँगा, गाड़ी लेनी है तो 150+ लो। 150 में आपको ये फील नहीं मिल पाएगा जो फील मैंने अभी लिया। मतलब जिसको नॉर्मल यूज़ भी चाहिए और सिंपल यूज़ भी चाहिए और मज़ा भी लेना है गाड़ी में, तो भाई मैं कहूँगा 200 से कम मत लो कोई भी गाड़ी। लेकिन जिन लोगों को हर चीज़ को देख के चलना है, हर चीज़, तो फिर 150 बहुत है आप लोग, 150 ले सकते हो आप। मुझे तो बहुत पसंद आई ये गाड़ी, पिकअप में भी और वैसे भी। वेरी नाइस बाइक। मतलब बहुत मज़ा आ रही भाई, बहुत मज़ा आ रही चलाने में इसको, नो डाउट। आज मैं सही तरीके से KTM जो सही तरीके से चलाना बोलता है, वो मैं आज चला रहा हूँ। मैंने इससे पहले कभी KTM कभी भी ढंग से यूज़ नहीं किया है, कभी भी आप मतलब सोच सकते हैं, ढंग से मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, आज मैं पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। तो भाई मैं सही में बताऊँ ना, ये गाड़ी इतना अट्रैक्ट कर रही लोगों को, मैं देख रहा हूँ हर एक किसी के रिएक्शन मुझे देखने को मिल रहा है। क्योंकि सही में बताएं, देखो गाड़ी नॉर्मल है, गाड़ी अब आपको हर जगह दिखेगी ये गाड़ी भाई। KTM RC 200 किसके पास नहीं है, बहुत लोगों के पास है, एक लखनऊ में अगर देखा जाए तो हज़ारों की तादाद में होगी। लेकिन इस गाड़ी की यही खासियत है, क्योंकि इसका जो रैप हुआ है ना, वो बहुत यूनिक है, देखने में बहुत अच्छी लगती है जब गाड़ी गुजर रही होती है, तो बहुत लोगों का रिएक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें। और वैसे भी गाड़ी यार एक नंबर गाड़ी है, ये बहुत ही मतलब मुझे बहुत ही फ्री महसूस हो रहा है इस गाड़ी को चलाते हुए। ऐसा फील ही नहीं हो रहा है ये कुछ भारी है, हार्ड है, या कोई ऐसी चीज़ है, हैंडल हर एक चीज़ एकदम नॉर्मल, हर एक चीज़ जो बहुत अच्छा फील दे रहा है गाड़ी चलाते वक्त। ना मेरे हाथों में दर्द हो रहा है,
ना मेरे कहीं बैक में दर्द हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट है। तो चलिए पहले पेट्रोल भरा लेते हैं, क्योंकि तो भाई किसी की भी गाड़ी लेके आओ भाई, किसी की भी गाड़ी लेके आओ, अगर वो आपकी हेल्प कर रहा है तो उसका मिसयूज मत करो। तो भाई यहाँ तक आए हैं तो सारांश भैया से भी मिल लें, उनको क्यों छोड़े। सरांज भैया से भी मिलते हुए चलें। है नहीं क्या? दोस्त की गाड़ी है तो मैंने सोचा कंटेंट अच्छा है। RC 200। हाँ, तो इसका ये जो आप देख रहे हैं, जो अभी हमने दिखाया नहीं लोगों को, यही थोड़ा यूनिक है। तो गाइज अभी तो आ चुके हैं, GoPro मैंने वापस वही सरांज भैया के यहाँ रख दिया था। सरांज भैया के फ़ोन से ये वाला वीडियो बन रहा है और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाड़ी। तो गाड़ी दिखाने से पहले थोड़ा मतलब खेलते हैं, थोड़ा अलग आपको दिखाते हैं, क्योंकि ऐसे मज़ा नहीं आएगी। मज़ा तभी आएगी जब आप ऐसे देखोगे। तो चलिए आप शुरुआत करते हैं सामने की तरफ से। तो 1 2 3। तो अब देखिए, सॉरी मैंने ये जो लगा दिया है आप लोगों को देखने में ख़राब लग रहा होगा, लेकिन मैंने लगाना पड़ा क्योंकि भाई किसी और की गाड़ी है, मैं नहीं चाहता कि उसका नंबर नंबर लीक हो। तो शुरुआत में ये देखिए, सामने इसने लगाया है रिंग लाइट, जो रिंग लाइट चेंज होती रहती है, चेंज आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी ब्लू जल रही है, जैसे उसने थीम के हिसाब से इसको लगवाया हुआ है। और अभी मैं इसको थोड़ा ग्लो कर दूँ तो आप लोग को समझ आएगा, ये कुछ ऐसी लगती है, रात में बहुत सेक्सी लगती है ये। तो अभी फ्रंट वर्क का हो गया, तो फ्रंट वर्क से अब आते हैं साइड में। अब है गाड़ी का सही मज़ा, कैसी लग रही है गाड़ी आप लोगों को देखने में, क्योंकि अब आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हाँ इसने क्या कराया हुआ है। एक नंबर ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, शार्क का पूरा एकदम, कितना अच्छा थीम है। आप लोगों को हर एक चीज़ इसमें देखने को मिल रही होगी, यहाँ पर शार्क की लाइट पूरा, यहाँ पे देखिए आग से लेके उसके दांत का जो एक अलग लुक आता है ना इस गाड़ी का, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे शार्क का पूरा वही दिया गया है, शार्क 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 RC पूरा लोगो बना हुआ है यहाँ पे, रेडी टू रेस वाया 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 8 GB। और शार्क की देखिए हड्डी भी बनी हुई है, बहुत ही अलग, मतलब ये चीज़ ही का जो मज़ा है भाई है वॉर्टेक्स। और ये पूरा थीम ऐसा, मतलब लाजवाब गाड़ी आप देखेंगे तो एकदम आपको अलग ही पसंद आएगी ये गाड़ी। क्योंकि आप यहाँ देखिए मोटोरेक्स AGV और यहाँ पे सिग्नेचर शार्क, बहुत ही प्यारा बहुत ही प्यारा। 200 cc इंजन है, लाजवाब गाड़ी है, डुअल डिस्क है इधर भी इधर भी, और सामने की तरफ भी यहाँ पे ऐसा कुछ बना हुआ है जो आप लोगों को देखने में अच्छा लगेगा। यहाँ पे मिट्टी मिट्टी है थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लाजवाब बना हुआ है। तो कुछ इस तरीके की गाड़ी है जो मैंने रिवील किया है। बहुत दिन से मैं चाहता था कि इस गाड़ी के ऊपर मैं बनाऊं, और आज मैंने बना लिया। अब इसको हटा देते हैं। तो बहुत दिन से मैं चाहता था कि इसको मैं बनाऊं, और लाजवाब लग रही है, लाजवाब लग रही है। तो चलिए, होप्स तो आप लोगों को ये पसंद आई हो गाड़ी, अगर पसंद आई हो तो अब रुके रहिएगा, क्योंकि अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ है। अब मैं जाऊँगा जब, तो आप लोगों को पूरी रेट बताऊंगा ये पूरा कितने में हुआ है, कैसी कैसी चीज़ें हैं। पिकअप आप लोग ने मेरे मोटो व्लॉग में ही देख लिया होगा, लाजवाब पिकअप है, बढ़िया है, हर एक चीज़ बढ़िया है। तो चलिए एक खींच लेते हैं थंबनेल और फिर निकलते हैं यहाँ से। तो भाई अभी वहाँ से निकल चुके हैं, अब चलेंगे घर और फटाफट पहुँचेंगे घर, फाइल ट्रांसफ़र करेंगे और फिर उसके बाद आएंगे यहाँ वापस, क्योंकि एक फ्लैट देखना है मुझे। और मे भी क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो गया है, तो हो सकता है कि पहले प्लान बन रहा था घर वालों के साथ जाने का, अब वो शायद ना हो पाए। गाड़ी कैसी लगी आप गाड़ी बताओ कैसी लगी, मेन तो गाड़ी भाई, गाड़ी कैसी लगी? मतलब लोगों को देख रहा हूँ, लोग देख बहुत रहे हैं। भागती तो अच्छा है भाई, भागती तो बड़ी ज़बरदस्त है।
नॉर्मल यूज़ के लिए अगर गाड़ी चाहिए तो ये पावर भी है इसमें, मज़ा भी है इसमें, चलाने में भी सही है, अच्छा लग रहा है। लेकिन वही अगर आपको हाइपर बाइक पर जाना है तो 390, लेकिन भाई ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये भी है। तो जितना ज़्यादा पावर आपके पास होगा उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपने उससे ज़रा खिलवाड़ किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। नाइस 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 वेरी नाइस वेरी नाइस, मतलब मज़ा आ रही है गाड़ी चलाने में भाई। तो भाई अभी तो आ चुके हैं इनके घर पे, तो ये हैं ओनर इस बाइक के। अब आप हमको बस इतना बता दिए कि ये रैप कितने में हुआ है? रैप 5000 का था। 5000 का रैप था और पूरा उस DRL के साथ सब कुछ, जो DRL जितनी भी चीज़ें इन्होंने लगवाई हैं सब कुछ मिला के 5000 था। बाकी माइलेज गाड़ी का 20 अगर भगाएं तो, अगर नॉर्मल चलाए तो नॉर्मल साफ चला 21-22 ऐसे ही, ज़्यादा नहीं है भाई। हम तो सबको बताते हैं अरे 30-35 होगा। नहीं नहीं नहीं, 200 का इतना है तो फिर 390 कितना होगा? 15 भाई। तो यही है ओनर, अब चलते हैं घर, हो गया पूरा ब्लॉग एकदम कंप्लीट। होप्स आप लोग को लाइक, मतलब अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कराना हो तो कुछ ऐसा कराइएगा कि गाड़ी भी अच्छी लगे और यूनिक लगे जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा। बाय बाय। रुक सा गया तो कम सी गई दुनिया की सारी मेरी, कुछ ना कहे सुनता रहूं तेरी आंखों।